हेलो माय यूट्यूब फैमिली। चलो आज हम लोग कार्डबोर्ड शीट और क्लोथ को यूज़ करके बनाते हैं प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी, वो भी मेहंदी फंक्शन के लिए। तो मैं अभी पहले बनाने जा रही हूँ ईयरिंग। तो ईयरिंग के शेप की मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड शीट को कट कर लिया है। अब रैप कर देंगे उसको हम लोग क्लोथ से, और रैप करने के बाद अब हमको चाहिए हाफ बीड्स। हाफ बीड्स मैंने यहाँ पे ड्रॉप शेप की और राउंड शेप की यूज़ किया है, और ग्लू से उसको अच्छे से चिपका दिया है। आपके पास जो भी ग्लू हो वो यूज कर सकते हो। जब से हमारी ईयरिंग बन रही है, फटाफट से कमेंट में भी बताओ कि आपको शादी में कौन सा फंक्शन सबसे अच्छा लगता है। मुझे तो हल्दी और मेहंदी का फंक्शन दोनों अच्छा लगता है। अब हमें चाहिए एक जंप रिंग जिसे हम दोनों पार्ट को अटैच कर लेंगे, और हमें चाहिए ईयरिंग स्टड। स्टड को इस तरीके से पीछे ग्लू कर लेंगे, और इसी तरीके से मैंने एक और ईयरिंग बना ली है। तो ये हमारी एक क्यूट सी ईयरिंग। अब हम बनाते हैं एक नेक पीस। तो नेक पीस के लिए मैंने कार्डबोर्ड शीट को राउंड शेप में कट कर लिया है, और उसे क्लोथ से कवर कर देंगे, और इस पे भी हमें हाफ बीड्स को फटाफट से ग्लू कर देना है। तो चलो फिर करते हैं ग्लू। इसी तरीके का हमें दो और रेडी कर लेना है, और दोनों को जंप रिंग से अटैच कर देना है। और हमें चाहिए एक चैन नेक पीस में लगाने के लिए, चैन को भी अटैच कर देते हैं। चलो जादू करते हैं। वाओ, ये कितना ही अमेजिंग सा प्यारा सा नेक पीस बन के रेडी हो गया है। मुझे तो ये सबसे ज़्यादा प्यारा लगा। मुझे मेहंदी की नेक पीस प्यारी लगी, और बैंगल्स प्यारे लगे, और ईयरिंग, और मुझे सारी चीज़ें प्यारी लगी। चैन अटैच करके मैंने यहाँ पे प्यारा सा मांटिका रेडी कर लिया है, और पेपर से रिंग बनाकर मैंने यहाँ पे मेहंदी के लिए रिंग भी रेडी कर लिया है। तो ये रिंग तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। चलो अब फटाफट से बैंगल भी बना लेते हैं। तो ये पुराने बैंगल्स मेरे पास पड़े हुए थे, तो इस पे भी मैंने ग्लोव से कवर कर दिया है इसको, और इस पे भी फटाफट से ग्लू करना स्टार्ट कर देंगे अपनी मोतियों को। तो हाफ बीड्स को मैं यहाँ पे ग्लू कर रही हूँ। चलिए फिर तो करते हैं ग्लू। तो हमारी बैंगल बनकर रेडी हो गई है, और ये चूड़ी के साथ तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। आपको इन ज्वेलरी में से सबसे ज़्यादा क्या पसंद है कमेंट जरूर करना, और ये मुझ पे कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताना। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।